हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। तो गाइस, इस वीडियो में आप देख रहे हैं द 100 ओमेन लीग का यहाँ पर 10th मैच जो खेला जाने वाला है साउदर्न वेब ओमेन वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ओमेन्स के बीच, उसके मैच पर स्टैट्स एनालिसिस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बिल्कुल इस मैच के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में पर प्लेयर एनालिसिस करेंगे, एक एक प्लेयर को यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बारे में, साथ में कौन कौन से प्लेयर आपके स्मॉल लीग गैनली के लिए परफेक्ट चॉइस होगा वो भी आपको बताएंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको ऑब्वियसली अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने फाइनल स्मॉल लीग की टीम उसी के साथ 11 जीएल के टीम्स भी दे देते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, जाके आप सर्च कीजिए टारगेट इन फैंटेसी लीग की और हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में गाइस, अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, देर किस बात की, फाइनल टीम्स के लिए आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर दीजिए। बात करें मैच की, तो देखिए कल रात को 8 बजे ये मैच खेला जाने वाला इंडियन टाइम के अनुसार। यहाँ पर वेन्यू रहेगा द रोज बॉल साउथम्पटन इंग्लैंड में, वेदर बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। तो देखिए, साउथम्पटन की जो ग्राउंड है वैसे भी वन साइड बहुत छोटा है, मतलब बहुत तो नहीं है, 60 मीटर आप कह सकते हो अप्रॉक्स, 60 या फिर 65 के अंदर, उतना छोटा भी नहीं है, लेकिन दूसरे साइड के हिसाब से छोटा है, दूसरे साइड यहाँ पर 70 मीटर के आसपास है। लेकिन गाइस, यहाँ पर क्या होता है कि ओमेन मैचेस में ज़्यादातर बाउंड्री थोड़ा सा छोटा होता है, और वैसे भी यहाँ पर देखिए 100 लीग्स में ओमेन्स मैचेस के लिए बाउंड्री बहुत ही छोटा कर रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर 55 मीटर के अंदर पूरे बाउंड्री रहने वाले हैं, जो बाउंड्री रहेगा ऊपर 55 मीटर के अंदर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर रन्स अच्छे खासे बन जाते हैं, जैसे कि वुमेन्स मैचेस में होते नहीं है कि 20 ओवर के अंदर बन रहा है 120 से 130 तक, लेकिन यहाँ पर देखिए 100 बॉल के अंदर 125 तक एवरेज स्कोर बन रहा है, साथ में पर विकेट्स भी गिरेगी, मतलब आप समझिए कि 125 तक रन्स बनने के लिए 5 से 6 विकेट जरूर गिरेगी। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉम्बाइन करना है टीम के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रूल्स आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, हर मैच में याद दिलाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर से हम एक बार आपको बता देता हूँ कि 100 बॉल की गेम होगी, हर 10 बॉल के बाद यहाँ पर बॉलिंग एंड चेंज होगा, एक बॉलर लगातार 5 नहीं तो 10 बॉल डाल सकता है, और पावर प्ले लेगा पहला 25 बॉल का, जैसे कि T20 मैचेस में होते हैं ना, 20 ओवर के अंदर पहला 6 ओवर पावर प्ले चल जाता है, तो वैसे भी यहाँ पर पहला 100 बॉल के अंदर 25 बॉल यहाँ पर पावर प्ले रहता है, जिसके अंदर 2 प्लेयर्स मैक्सिमम सर्कल के बाहर रहेगा। यहाँ पर देखिए, एक बॉलर मैक्सिमम 20 बॉल डाल सकते हैं, तो ये 5 रूल्स बेसिक है जिसको आपको जानना ही जानना है। और लास्ट 5 मैचेस की बात करें दोनों टीम्स की, देखिए साउदर्न वेब ओमेन 5 मैच खेल के 4 जीते रिसेंट में, और मैनचेस्टर ओमेन 5 मैच खेल के 3 जीते, तो दोनों का स्टैट्स आप कह सकते हो रिसेंट में आसपास ही है, उतना डिफरेंस भी नहीं है इन दोनों की लास्ट 5 मैचेस की विनिंग्स के हिसाब से। और गाइस, आज के मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर साउदर्न ओमेन 40% विनिंग चांसेस, मैनचेस्टर ओमेन 60% विनिंग चांसेस, मतलब मैनचेस्टर ओमेन की जो है थोड़ा सा टीम का परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है सारे प्लेयर्स, तो इसलिए इनका थोड़ा सा ज़्यादा विनिंग चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो गाइस, अब हम देखेंगे दोनों टीम्स की प्रॉबल प्लेइंग एक्सरसाइज, साथ में यहाँ पर एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकते हैं, उसके साथ प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग की टीम पर या फिर ग्रैंड लीग की टीम पर कैसे चॉइस होना चाहिए। तो गाइस देखिए, साउदर्न वेब ओमेन की तरफ से सबसे पहले ओपनिंग पर आएगा स्मृति मंदाना, डैनियल वाट, दोनों ही एक बेहतरीन तरीके से प्लेयर है, मतलब हर एक मैच में अच्छे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्मृति मंदाना जो है थोड़ा सा 1/1 चलता है, हमने जैसे कि ऑब्जर्व किया कि एक मैच पर अगर 40 से 50 रन मार दे तो दूसरे मैच पर फ्लॉप जाने के चांसेस ज़्यादा रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा पहला मैच पर 19, दूसरे मैच पर 46, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से 20+ रन इन्होंने जरूर बनाकर जाएगी। डैनियल वाट 65, 14, 7 में 2 विकेट है, तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है अपनी टीम का, आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टन एक बढ़िया चॉइस इस मैच पर बनने वाले हैं। सोफिया डांगली जो कि आएंगे नंबर 3 पर 1 डाउन, 34, 13 रन 1 विकेट, 2 मैच खेल के एक मैच पर बॉलिंग करें और 1 विकेट निकाला। ताहलिया मैकगर्थ, देखिए लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर में से एक थे ताहलिया मैकगर्थ, जो कि हर एक मैच में लगभग विकेट निकालते थे और अच्छे बैटिंग भी करते थे, 5 रन 7 में विकेट लेस गए एक मैच खेल के, तो आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिसेंट फॉर्म के हिसाब से देखो तो आपके लिए ताहलिया मैकगर्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। माया बाउचर जो कि आएंगे नंबर 5 में 0 रन 13 रन, नंबर 6 पर आ सकते हैं जॉर्जिया एडम्स, 18 रन 18 रन 2 मैच पर और 1 विकेट और 2 विकेट, तो गाइस ये आपके लिए स्मॉल लीग पर मस्ट चॉइस रहेगा, लेकिन ग्रैंड लीग पर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी जरूर बनाइए, क्योंकि ये वैसे टाइप का प्लेयर है जो कि ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है आपके टीम पर। फ्रेया कैंप
14, 24 और विकेटलेस। तो कैसे देखिए, पर नंबर 7 पे आके भी 20 प्लस रन बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्लेयर बैटिंग बहुत ही अच्छा करना जानते हैं, लेकिन टीम इनको थोड़ा सा नीचे भेज रहा है एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर की जगह खेल रहा है। अमंडा जेट वेलिंगटन 3 विकेट 1 विकेट 2 गज पर निकाला, ठीक ठाक से सब क्लियर रहेगा। लॉरेन बेल 0 विकेट 1 विकेट। आनिया श्रापसोल कैप्टनसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 2 मैच पर बॉलिंग करके देखिए विकेटलेस और विकेटलेस, एक भी विकेट नहीं मिला। कार्ल रूट विकेट कीपरिंग सेक्शन पर है, उतना बढ़िया चाहिए सबके लिए ये नहीं रहने वाला है। तो कैसे देखिए, यहाँ पर बेंच के ऊपर जो प्लेयर है इनके स्टैट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और अभी कैसे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर साउथर्न ब्रेव वुमन की तरफ से, कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉली की टीम पर फिलहाल बेस्ट चॉइस रहेगा। देखिए गाइस, स्मृति मंदाना है, डेनियल वाट है, सोफिया डांकले है, मैकग्रथ भी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मैच पर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं किया, इसके हिसाब से लोगों को इन्होंने इनको मतलब ड्रॉप करेगा, लेकिन आपको रखना है। चाहे तो आप ग्रैनलिक पर इनको कैप्टन बैक्टन बना के भी जा सकते हो। जॉर्जी एडम्स, अमंडा वेलिंगटन और यहाँ पर फ्रेया कैंप। तो कैसे यहाँ पर हो गए हैं 7 चॉइसेस, इस 7 में से ही आपको प्लेयर्स को चॉइस करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम देखेंगे मैनचेस्टर वुमेन्स की तरफ से, एम्मा लाम्ब ओपनिंग करने वाले लीजरे ली के साथ। लाम ने लास्ट मैच पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की, लेकिन उससे पहले 0 रन मतलब डाक पे आउट हुए थे। लास्ट मैच पर 35 रन बनाया और 2 मैच पर लगातार बॉलिंग करके भी विकेटलेस गए। लीजरे ली 17 रन 3 रन इस मैच के लिए आपके टीम पर, ग्रैंडली के लिए एक परफेक्ट कैप्टनसी की चॉइस इस मैच पर रहने वाला है। आप जरूर ग्रैंडली के लिए इनको कैप्टन बस करना बनाइए अगर आप 20 टीम बना रहे हो तब। तो गाइस देखिए, नंबर 3 पर जो आएगा डिएंड्रा डॉटिन, एक परफेक्ट चॉइस होगा आपके लिए कैप्टनसी के चॉइस पर स्मॉलिंग के लिए। 0/67 में पर 2 विकेट 2 विकेट और 4 विकेट निकाला 2 मैच खेल के। तो गाइस डिएंड्रा डॉटिन बैटिंग से बॉलिंग से दोनों तरफ से आपको अच्छे परफॉर्मेंस करते देखने को मिलेगी। सोफी एक्लस्टोन नंबर 4 पर आएगी बैटिंग करने, 0/36 और 2 मैच पर 1-1 टोटल 2 विकेट निकाला। तो सोफी एक्लस्टन जो है नेशनल टीम के लिए जब खेलते हैं टी ट्वेंटी में, वहाँ पर बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है। तो आप समझिए कि कितने बढ़िया पोटेंशियल इनके हो जाएंगे और आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हो इनको, और चाहे तो आप ग्रैंड लीग में भी कैप्टनसी के चॉइस पर ट्राई कर सकते हो। एमी कैम्बेल 13 रन बनाए लास्ट मैच पर 5 नंबर पर बैटिंग करके। एमी सटरहोइट 9 रन बनाए लास्ट मैच पर। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ भी हो सकता है कि देखिए लास्ट मैच पर डॉटिन और एमालम का, यहाँ पर देखिए डॉटिन और एमालम का पार्टनरशिप अच्छे से जम गए थे, तो इसलिए एक्लस्टोन हिटिंग करने आ गए हैं नंबर 4 पे, लेकिन ये यहाँ पर 7 नंबर पे भी आ सकते हैं। अगर जल्दी से विकेट गिर जाए तब यहाँ पर इनिंग्स को मैनेज करने आएंगे कौन, एमी कैम्बेल और एमी सदरवाइट, जैसे कि नंबर 4 और 5 पे। उसके बाद नंबर 6-7 पे आ सकते हैं सोफी एक्लस्टोन। तो गाइस देखिए यहाँ पर उसके बाद आएगा कॉर्डेलिया ग्रिफिथ, 12 रन किया लास्ट मैच पर। केट क्रॉस 1 विकेट है 2 मैच खेल के, 1 और 0 विकेट, कैप्टनसी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, बैटिंग करना भी थोड़ा बहुत जानते हैं। एलेनोर ट्रेक लेहल्ट देखिए विकेट कीपरिंग सेक्शन पर रहने वाले हैं, 7 रन किया है लास्ट मैच में। ग्रेस पॉट्स 4 रन, उसके साथ 2 मैच पर बॉलिंग करके विकेट लेस गए। हाना जोन्स 1 विकेट और 0 विकेट 2 मैच पर निकाला। तो दोस्तों इस टीम से आप देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर मैनचेस्टर वुमेन्स की टीम की तरफ से बेस्ट चॉइस आपके लिए रहेगा। तो गाइस रिसेंट स्टार्ट की सबसे अगर आप देखें तो एमालम रहेगा, डेनियल डॉटिन, सोफी एक्लस्टोन, उसके साथ केट क्रॉस, ये 4 चॉइस हो गए हैं। बाकी यहाँ पर एमी कैम्बेल और लीजर ली, तो ये 7-6 चॉइस आपके लिए बड़े हो सकते हैं। आप चाहे तो सटरहोइट, अगर ऑर्डर में चेंजेस होगा मतलब सोफी एक्लस्टोन अगर नीचे आए तभी आपके लिए सटरहोइट या फिर एमी कैम्बेल मास्ट चॉइस हो जाएंगे। आप चाहते हैं लीजर ली को ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर रहेगा आप कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करोगे, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए परफेक्ट चॉइस बनेगा इस मैच के लिए लीजर ली। आप जरूर कैप्टन बस कर बनाइए ग्रैंड लीग पर। तो गाइस स्मॉलिंग के लिए बेस्ट कैप्टन से वाइस कैप्टन चॉइस पर कौन कौन से प्लेयर रहने वाला है देखिए, स्मृति मंदाना, डेनियल वाट, डिएंड्रा डॉटिन, जॉर्जी एडम्स, ये 4 आपके लिए स्मॉलिंग पर डिफॉल्ट कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं इस मैच पर। और ग्रैंड लीग चॉइसेस की एक बार बात कर लेते हैं, एमा लाम्ब, तालिया मैकगर्थ, अमंडा वेलिंगटन, सोफी एक्लस्टन, सोफी डांगली। तो गाइस ये 5 चॉइसेस, इसके साथ आप ली को कंसीडर कर लीजिए, इनके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, जो कि ली भी इस मैच के लिए ग्रैंड लीग पर कैप्टनसी वाइस कैप्टन चॉइस पर बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। तो गाइस फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस के बाद, अभी ड्रीम इलेवन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर हमने फिलहाल एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन फाइनल टीम जो है हमारे वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा टॉस के बाद लेने के बाद। तो गाइस आप अभी जाइए टेलीग्राम पर, जाकर टारगेट फैंटेसी लिख के सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है लिंक में क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस देर किस बात की, फाइनल टीम्स के लिए आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसी के साथ गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का और एक इंपॉर्टेंट रीजन आपको बता देता हूँ कि गाइस जो मैचेस हम वीडियो के थ्रू कवर नहीं कर पाते हैं हम उसके टीम भी रेगुलरली टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो इसलिए ये भी एक रीजन है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है।
अभी चलते हैं ड्रीम इनिंग की तरफ, वहाँ पर हमने डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो भाई देखिए यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन पर दो प्लेयर्स रहने वाले हैं, सी रूट और ई ट्रेकलेल्ट। फिलहाल देखिए हम पसंद के हिसाब से यहाँ पर जाएंगे, ई ट्रेकलेल्ट हमारे टीम पर रहने वाले हैं मस्ट पिक, और सी रूट उतना बड़े चॉइस नहीं रहने वाले, आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कीजिए। बैटिंग सिस्टम में देखिए गाइस यहाँ पर रहने वाले हैं श्रीति मंदना, डेनियल वाट, ली और यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स सिर्फ यहाँ पर सोफी डांगली है, लेकिन हमने यहाँ पर इनको फिलहाल पिक नहीं करेगा क्योंकि देखिए ऑलराउंड को ज़्यादा लेना है। सटर हॉइट, एम बुशियर, ए कैम्बेल, सी ग्रिफिथ, इनको आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर लीजिए। तालिया मैकग्रथ, डेंडा डॉटिन, एम आलम, जॉर्जी एजम्स, जो कि चार टॉप ऑलराउंडर चॉइस हमारे टीम पर रहेगा। और सभी गाइस देखिए आपको ओमेंस की मैचे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को ही पिक करना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर के पास यहाँ पर एबिलिटी रहता है कि दोनों तरफ से आपको पॉइंट देकर, चाहे बैटिंग से बॉलिंग से, जी पॉट्स आपके लिए ग्रैंड लीग पर बड़े चॉइस हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए बॉलिंग सेक्शन पर हम पिक करेंगे सोफिया एक्लेस्टोन, अना वेलिंगटन, उसी के साथ हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं एफ केम को, के क्रॉस आपके लिए स्मॉल लीग पर भी बढ़िया चॉइस हो सकते हैं, अनया श्राफ्सोल ग्रैंड लीग पर बढ़िया चॉइस, उसी के साथ मॉली स्टर्न अगर खेले तो इनको भी आप ग्रैंड लीग पर दो चार टीम पर जरूर पिक कीजिए, साथ में कैप्टन बास्केट भी बना सकते हो, वो भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। एच एमिली जोन्स आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छा चॉइस बन सकता है एल बेल के साथ। अभी कैप्टन सी वाइसकम्स के बारे में बात करेंगे, देखिए डेंटा डॉटन बिल्कुल सेफ कैप्टन, उसी के साथ यहाँ पर वाइसकम चॉइस पर रहने वाले हैं हमारे टीम पर देखिए तालिया मैकग्रथ, आप चाहो तो यहाँ पर स्थिति मंदाना को भी ट्राई कर सकते हो, जॉर्जी एडम्स को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमने फिलहाल जा रहा है डेंटा डॉटन और तालिया मैकग्रथ के साथ। टीम सेव करके प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा और प्रीव्यू थोड़ा सा ग्रैंड के बारे में डिस्कस कर देंगे। तो गाइस देखिए ई ट्रेकलेल्ट रहने वाला है विकेट कीपरिंग सेक्शन में, बैटिंग में है डेनियल वाट, लीजर ली, श्रुति मंदाना, तीन टॉप चॉइसेस। और लीजर ली यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है। डेना डॉटिन, एमालम, तालिया मैकग्रथ, जॉर्जी एडम्स, चार रहने वाले ऑलराउंडर सेक्शन में। आप चाहते हैं यहाँ पर एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करके, जैसा कि एमालम या फिर जॉर्जी एडम्स, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ पर सोफिया डांगली को भी ले सकते हो। सोफिया एक्लेस्टोन, अन्ना वेलिंगटन, एफ कैंप, तीन प्लेयर्स रहने वाले हैं बॉलिंग में। तो गाइस यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर डिफॉल्ट कैप्टन है सभी का कैप्टन रहने वाला है डेंडा डॉटिन, तालिया मैकग्रथ, और यहाँ पर ग्रैंड लीग पर आप ट्राई कीजिए लियल ली, डेनियल वाट, जॉर्जी एडम्स, सोफिया एक्लेस्टोन, अना वेलिंगटन, एमालम। तो गाइस ये छह प्लेयर्स को आप आपके ग्रैंड लीग टीम पर एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम, फाइनल टीम के लिए आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टॉस के बाद लाइनअप के बाद फाइनल स्मॉल लीग के टीम के साथ साथ 11 जीएल के टीम्स भी मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए। और एक अच्छा सा टीम बनाए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।